बहुत मजा आ रहा है, मैं सन टैनिंग कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री सन टैनिंग कर रहा है, बट वो मैं कहता हूँ ना कि पेट के लिए करना पड़ता है, बट ऑन अ सीरियस नोट काम है और धूप हो या छाव हो हमें करना पड़ेगा, और नंदनी में आने का मौका मिला सो बहुत खुश है, बिकॉज ये भी पॉलिटिकल बेस्ड शो है और हमारी फिल्म भी प्रधानमंत्री पे बेस्ड है, सो इट्स नाइस टू बी। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि क्रिकेट हमारे देश में बहुत अहम मानी जाती है और फिल्म्स बहुत अहम माने जाते हैं, तो अभी मौका मिला है तो हम चौका मारेंगे। सीक्वेंस यही है कि कुछ बदतमीज़ी होती है नंदनी के साथ, तो नेहा और मैं आके उन्हें बचाते हैं, और फिर थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, थोड़ा हम उनसे बात करते हैं रेगिस्तान के बारे में, थोड़ा वो हमें सजेशन देती है कि पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। आई थिंक इससे बहुत फ़ायदा होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लाखों करोड़ों लोग डेली ये देखते हैं, तो इनके भी बहुत सारे फैंस हैं, तो इनके ज़रिए अगर हम उन तक पहुंच पाते हैं और उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है तो इससे अच्छी बात क्या है? मुझे लगता है यही, जैसे कि नंदिनी एक फैमिली शो है जो पूरी फैमिली साथ बैठ के देखती है, तो आई थिंक वो जो रीच है नंदिनी का वो हर घर में है, तो आई फील कि अगर यंगिस्तान थ्रू अ टीवी शो लाइक नंदिनी कैन रीच आउट टू होम्स एंड वी कैन टेल देम कि हमारी फिल्म भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। आई थिंक हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग शोज पे ऑलरेडी जा चुके हैं, whether it was FIR, comedy circus, boogie, CID, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मॉडर्न कपड़े पहन के, जीन्स पैंट पहन के, मॉडर्न बातें करके, और मोर देन एनीथिंग जस्ट टू, जैसे कहा जाता है ना, एक कॉमन सेंस यूज करके कि अगर मैं एक यंग लड़का हूँ तो आज के युवा को क्या चाहिए, और उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बेसिक चीज़ें चाहिए जो हम फिल्म में लाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो प्राइमरीली एक लव स्टोरी है, तो कि कैसे एक प्रधानमंत्री की लव स्टोरी होती है और कैसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में रहते हैं, वो अपना काम भी करता है और देश को भी संभालता है और लव स्टोरी भी चलती है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो आपने कभी कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की शायद एक गर्लफ्रेंड हो सकती है, और अगर होगी भी तो इतनी खूबसूरत होगी, और वो कैसे रहेगी, तो उस पर कहानी है।